2005 में तमन्ना भाटिया की पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था चांद सा रोशन चेहरा। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ समीर अफ्ताब, तमन्ना भाटिया, किरण कुमार थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था सिरी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ मंचू मोहन, तमन्ना भाटिया, ब्रह्मानंद थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 2006 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था केडी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ रवि कृष्णा, रमेश खन्ना, एमएस भास्कर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद 2007 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था व्यापारी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया, नमिता थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था हैप्पी डेज। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ वरुण, संदेश, निखिल सिद्धार्थ, गायत्री राव थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था कल्लूरी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ राजेश्वरी, तमन्ना भाटिया, माया रेड्डी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद 2008 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था कालिदासु। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ रवि बाबू, सुनील, नागेंद्र बाबू थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था रेडी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ ब्रह्मानंदन, राम पोथीनैनी, जेनेलिया डिसूजा थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद 2009 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था पदिक थावन। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ धनुष, तमन्ना भाटिया, विवेक, सायाजी शिंदे थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्ज रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था कोचम इष्टम कोचम कष्टम। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ सिद्धार्थ, तमन्ना भाटिया, प्रकाश राज थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था आनंद तांडवम। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ सिद्धार्थ, वेणुगोपाल, रुक्मिनी, विजय कुमार थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था आयन। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ सूर्य, तमन्ना भाटिया, जानकी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था कंडन कथलाई। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ भरत श्रीनिवासन, दीपक वेंकट थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्ज रही थी। इसके बाद 2010 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था पैया। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ कार्तिक, तमन्ना भाटिया, सोनिया दीप्ति थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था सूरा। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ विजय थालापति, रियाज खान, राधा रवि थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था खिल्लांगड़ी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ जयम रवि, तमन्ना भाटिया, सुहासिनी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था सिरुथाई। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ कार्थी, तमन्ना भाटिया, मेघा नायर थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 2011 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था 100% लव। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ नागा चैतन्य, तमन्ना भाटिया, तारा अलीसा थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था बद्रीनाथ। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ अल्लू अर्जुन, तमन्ना भाटिया, प्रकाश राज थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था बेंघाई। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ धनुष राज, किरण, प्रकाश राज थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था उसारा बिल्ली। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ क्लियर एनटीआर, प्रकाश राज थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 2012 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था राजा। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ रामचरण, तेजा, मुकेश, ऋषि, मोहम्मद अली थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था इंदु कांते प्रेमंता। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ राम पोथीनैनी, सायाजी शिंदे, सुमन सेट्ठी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था रेवेल। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ प्रभास, तमन्ना भाटिया, मुकेश, ऋषि, प्रदीप, राम सिंह थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्ज रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था कैमरामैन गंगाथो राम बाबू। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ पवन कल्याण, प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 2013 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था हिम्मत वाला। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ अजय देवगन, तमन्ना भाटिया, परेश रावल थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था तलाका। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ नागा चैतन्य, सुनील, तमन्ना भाटिया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 2014 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था वीरम। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ अजीत कुमार, रमेश खन्ना, तमन्ना भाटिया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद 2014 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था एंटरटेनमेंट। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ अक्षय कुमार, तमन्ना भाटिया, कृष्णा, अभिषेक थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था अगाड़ू। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया साथ
महेश बाबू, तमन्ना भाटिया, सोनू सूद थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था हमशक्ल्स। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ सैफ अली खान, राम कपूर, रितेश देशमुख थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था अल्लूडू सीनू। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ विलम कोंडा, श्रीनिवास, प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्ज रही थी। इसके बाद 2015 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था बाहुबली। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ प्रभास, प्रकाश राज, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था बंगाल टाइगर। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ रवि, तेजा, राशि खन्ना, बोमन ईरानी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद 2016 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था उपीरी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ नागा, अर्जुन, प्रकाश राज, नोरा फतेही, तमन्ना भाटिया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था धर्म उरई। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ विजय सेतुपति, तमन्ना भाटिया, गंजक करुप्पा थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था देवी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ प्रभु देवा, तमन्ना भाटिया, सोनू सूद, सतीश थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था कत्थी संदाई। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ विशाल कृष्णा, तमन्ना भाटिया, सूरी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद 2017 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था बाहुबली 2। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुपति थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद 2018 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था स्केच। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ विक्रम, तमन्ना भाटिया, श्री, प्रियंका थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था नानुम्बे। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ नंदमुरी, कल्याण राम, पोसानी, कृष्णा थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद 2019 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था F2। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ दग्गू बटी, वेंकटेश, तमन्ना भाटिया, अरुण तेज थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म आई जिसका नाम था कन्ने कलाई माने। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ बॉबी, सिम्हा, तमन्ना भाटिया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था देवी 2। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ प्रभु देवा, सोनू सूद, योगी बाबू थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्ज रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था खामोशी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ प्रभु देवा, भूमिका चावला, संजय सूरी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था सैरा नरसिम्हा रेड्डी। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, विजय सेतुपति थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था पेट्रो मैक्स। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ श्रीजा रवि, योगी बाबू, मैना थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्ज रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था एक्शन। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ विशाल कृष्णा, विजय सेतुपति, योगी बाबू थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्ज रही थी। इसके बाद 2021 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था सीटी मारे। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ गोपी चंद्र, अप्सरा रानी, रोहित पाठक थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 2022 में तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था F3। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ सोनाली चौहान, वरुण तेज, रघु बाबू थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना भाटिया की एक और फिल्म है जिसका नाम था बबली बाउंसर। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ अभिषेक बजाज, सुप्रिया शुक्ला थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल तमन्ना की एक और फिल्म आई जिसका नाम था प्लान ए प्लान बी। इस फिल्म में तमन्ना के साथ रितेश देशमुख, कुशल कपिल, तमन्ना भाटिया थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अर्ज रही थी।